आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूं कुछ कंप्यूटर पार्ट्स के, और आपको बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स के अनबॉक्सिंग मिलेंगे। हम एक कंप्लीट पीसी बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए आप मेरे हर एक वीडियो का वेट करें, इंतजार करें। चलिए समय बढ़ाते नहीं है, ये हमारा अमेजोन से कुरियर आ चुका है। तो ये हमने कटिंग टूल लिखाया है, अब देखते हैं हम इसे कट करके कि इसका पैकेज कैसे आएगा। तो सबसे पहली बात, ये हमारा बॉक्स हमने ओपन किया है और अब हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि जी हाँ, ये हम बिल हटा देते हैं क्योंकि मुझे अपनी डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। और ये दो हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए अमेजोन ने इतनी बड़ी पैकिंग हमें प्रोवाइड की है। तो ये जो दो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं, कॉर्सेर का रैम है जिसके लिए मैं थोड़ी सी कैमरा फोकस कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज प्रोडक्ट अच्छे से साफ साफ दिखे। तो अब आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑर्डर किया है कॉर्सेर का दो रैम, और ये जो दो रैम है ये हमारे नए पीसी पे बिल्ड होगा। और इसके लिए आप पूरा फुल पीसी बिल्ड आपको जरूर देखें ताकि आपको पूरा पता चले कि हम कौन से हार्डवेयर पे नई पीसी बिल्ड कर रहे हैं, और उसकी डिटेल्स भी मैं आपको अनबॉक्सिंग के साथ रिव्यूज भी प्रोवाइड करते जाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी बॉक्स को थोड़ी सी चेकआउट करते हैं। DDR4 है, 1x8 यानी कि 8 GB का रैम है, 32 MHz का रैम है। और अब आप देखिए, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हमें डिटेल्स क्या मिल रही है। तो अब आप यहाँ पर देखिए 5850 MRP लिखा हुआ है, मई 2022 का, मतलब लेटेस्ट हमें बिल्ड मिला है। और ये कोलकाता का एड्रेस है यानी कि जहां से हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। इस रैम की खासियत मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात, ब्लैक कलर का है, हीट सिंक वाला है। इसमें आप और भी कलर मिलते हैं, जैसे रेड भी मिलता है, ब्लू भी मिलता है, और भी ये जो ब्लैक के अलावा अगर आपको कोई और कलर लेना है तो वो मिलता है, बट मैंने ब्लैक लिया। RGB वाला भी आता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है, जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर परफॉर्मेंस मैटर करता है तो लाइटिंग फाइटिंग मेरे को कोई मतलब नहीं करता, मेरे लिए तो मैंने केवल परफॉर्मेंस को डिजाइन करके लिया है। ये वेगेंस सीरीज है, LPX लो पावर एक्सट्रीम रैम है, और इसे वन क्लिक से आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, और ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सपोर्टेड है, और ये अच्छे से वर्क भी करता है। इवन आप चाहें तो इंटेल के अलावा, यहाँ पर इंटेल लोग है, बट आप AMD सिस्टम्स पे भी इसी रैम को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। आप यहाँ पर डिटेल्स और भी देख लीजिएगा, जो भी डिटेल हमें यहाँ पर मिल रहा है, कुछ यहाँ पर बेसिक डिटेल्स है, और उसी तरीके से हमारा सेकेंड पैकेज ये है। अगर मैं इसे ओपन भी करके दिखाऊं तो आप देखिए कि हम इसे देखते हैं कि क्या हमें कैसा अंदर का रैम का क्वालिटी मिलता है। तो एक पीस को हम ओपन करते हैं और ये रहा हमारा बॉक्स। आप देखते हैं, देखिए इस तरीके का आपको रैम मिल रहा है। यहाँ पर आपको वेगेंस LPG का लोगो मिल रहा है, और यहाँ पर बेसिक डिटेल यानी कि FSV वगैरह और लो वोल्टेज का और लेटेंसी का डिटेल आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो देखिए 18, 20, 38 ये लेटेंसी है, 1.35 वोल्ट है, वर्जन 3.34 है, 32 MHz है, 8 GB है, DDR4 है, और ये जो मॉडल है उसका कोड लैंग्वेज है, और ये सीरियल नंबर है। तो ताइवानीस रैम है, ये आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है, आप देख लीजिए, मेड इन ताइवान। तो ताइवान रैम है, काफी अच्छी बिल्ड है, और इस रैम की प्लस पॉइंट ये है, 10 ईयर वारंटी के साथ ये रैम आता है। 10 ईयर वारंटी को आपको इज इक्वल टू लाइफ टाइम वारंटी बोल के ये रैम को दिया जाता है। जब आप कोई वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको लाइफ टाइम वारंटी लिखा हुआ समटाइम मिल जाएगा। तो लाइफ टाइम वारंटी का भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैक्सिमम है ये है 10 ईयर वारंटी वाला। तो आपको इस तरीके का रैम देखने को मिल रहा है जो कि काफी सॉलिड बिल्ड के साथ आता है और काफी फेमस रैम है, आप आराम से इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। तो अब आप मेरे वीडियो पे कंटिन्यू रहे, मैं आपको बाकी पीसी पार्ट्स की भी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर हम अपने अलग अलग पार्ट को एक असेंबल करेंगे, एक कंप्लीट सेटअप भी देखेंगे, साथ में बेंचमार्क वगैरह, गेमिंग वगैरह, और कुछ डिटेल परफॉर्मेंस वगैरह भी देखेंगे विंडोज 11 के साथ में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।